मऊ जिले की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काली पासी और सनी गैंग के दो अंतर जनपदीय खतरनाक सुपारी किलर को अवैध असला व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एक चकमा देकर फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने दोनों को एक घटना को अंजाम देने जाते समय मुखबिर द्वारा मिली सूचना के बाद घेराबंद कर गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रानीपुर थाने की पुलिस को शुक्रवार की भोर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार तीन व्यक्ति अवैध असला के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुर्रट की तरफ से रानीपुर होकर जाने वाले हैं। इस सूचना पर घेराबंदी पुलिस टीम ने तेज रफ्तार से आ रही बाइक को रोकने का इशारा किया है, जिसके बाद बाइक पर सवार पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। इसके बाद बाल बाल बचे पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा अंधेरा का फायदा उठाते हुए बाइक लेकर फरार हो गया। इनके पास से एक देशी रिवॉल्वर और एक तमंचा के साथ चार जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त ने एक गाजीपुर जनपद के सैदपुर थाने के वार्ड नंबर 15 सुभाष नगर का निवासी है और वह काली पासी गैंग का शूटर है। इसने स्वीकार किया है कि मैंने 10 से 12 हत्याएं की हैं। वहीं दूसरा अनिरुद्ध पांडे वाराणसी जनपद के चेतगंज थाना क्षेत्र के बड़पियरी मोहल्ले का निवासी है, साथ ही वाराणसी के सन्नी गैंग से ताल्लुकात रखता है। यहीं अभी जेल से जमानत पर छूट कर आया है। इसने भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। कई घटनाओं में दोनों का नाम तक नहीं उजागर हुआ है। वहीं फरार अभियुक्त अविनाश रानीपुर थाने के भवनपुरा गांव का निवासी है। यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके बाद गिरफ्तार दोनों अभियुक्ता का संबंधित धाराओं से चालान न्यायालय पर जेल भेज दिया गया है।